जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हाल ही में अभी कुछ वक्त पहले विज्ञान ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विज्ञान के दुनिया में, सर्जरी के दुनिया में ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और उपलब्धि ये है कि ह्यूमन के हार्ट को, आदमी के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया है, मतलब बदला गया है। और वो जो बदला गया है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर, पिग्स जिसको बोलते हैं, उसके हार्ट से आदमी के हार्ट को बदला गया है, जिसको कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हर बार की तरह इस उपलब्धि का श्रेय भी यूनाइटेड स्टेट को मिला। बहुत अच्छी बात है। विज्ञान के दुनिया में अगर कोई आविष्कार होता है, वो कोई भी देश करे, तो ये स्वागत योग्य है। इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि अमेरिका ने किया तो हम इसका विरोध करते हैं, या किसी और देश ने किया तो इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि विज्ञान अंततः सभी देशों के पास फिर पहुंचता है और फिर इसका लाभ पूरे मानव कल्याण को होता है। ये एक बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लेकिन जो एक दुख, एक पीड़ा, जो एक वेदना है, जिसके कारण मैं इस पूरे वीडियो को बना रहा हूं, वो आपको जानकर आश्चर्यचकित कर देगा। आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ये भी क्या हुआ था। आप भी सवाल अपने आप से करेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि यह ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले भारत में हुआ था, दोस्तों मैं ऐसे कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि मैं किसी वेद पुराण की बात कर रहा हूं, कोई धार्मिक ग्रंथ की बात कर रहा हूं, नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन बात कर रहा हूं। और यह बात बहुत ज्यादा समय पहले की नहीं कर रहा हूं, 1997 की मैं बात कर रहा हूं, जो कि उधर 3 साल जोड़ लीजिए और इधर 22, 3 25 साल के आसपास की बात है। 25 साल पहले ये सेम चीज, ये सेम ट्रांसप्लांटेशन भारत में भी किया गया था। और जिस जिन शख्स ने किया था उनका नाम है धनीराम बरुआ। धनीराम बरुआ नाम के एक साइंटिस्ट, जो कि भारत के थे, साइंटिस्ट नहीं कहिए आप, क्योंकि मेडिसिन के क्षेत्र में थे तो डॉक्टर कह सकते हैं, सर्जन कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में वो काम कर रहे थे तो वैज्ञानिक भी हम बोल सकते हैं उन्हें। उन्होंने ये काम को किया था। उन्होंने पहली बार किसी सुगर के हार्ट को आदमी के हार्ट से ट्रांसप्लांट किया था 1997 में आसाम के गुवाहाटी में, और ये भारत में है, हम सबको पता है। ये ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले भारत में हुआ और उस इंसान के शरीर में किया गया जिसका उम्र 32 साल था, और फिर वो इंसान 7 दिन के बाद मर गया। ऐसे भी वो इंसान मरने वाला ही था, जिसका हार्ट अगर काम करना बंद कर दे वो तो मरेगा ही, सिंपल सी बात है। लेकिन उस व्यक्ति पर इन्होंने एक रिसर्च किया और उसके अंदर सुगर का हार्ट लगा दिया और उसकी आयु 7 दिनों तक बढ़ गई, और 7 दिन के बाद उस शख्स का मौत हो गया। मौत होने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई हो गई, और कार्रवाई किस किस चीज में हुई? सबसे पहला जो कार्रवाई का जो इनके ऊपर एक्ट लगा वो लगा ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1994 का पहला एक्ट लगा। दूसरा एक्ट इनके ऊपर लगा गैर इरादतन हत्या का, और यह बात सही है कि इन्होंने परमिशन नहीं लिया था, बिना परमिशन लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और एक व्यक्ति की जान, एक व्यक्ति की आयु 7 दिनों तक बढ़ा दी, या आप इसे दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि 7 दिनों के बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन क्या इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था धनीराम बरुआ ने, इनको इस एक्सपेरिमेंट के लिए 40 दिन का जेल हुआ? आप कह सकते हैं 40 दिन का जेल कोई बहुत बड़ा अवधि नहीं होता है, लेकिन किसी के हौसला को कुचलने के लिए ये 40 दिन बहुत ज्यादा होता है। और जब ये 40 दिन के बाद जेल से लौटे तो इनके पूरे अस्पताल को, इनके पूरे रिसर्च सेंटर को तहस नहस कर दिया गया था, तोड़ के खत्म कर दिया गया था। जिस इंसान के साथ इतना ज्यादती हो तो स्वाभाविक सा बात है कि उसका हौसला, उसका जोश, उसका जो सोचने समझने का तरीका है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और फिर उनके साथ भी यही हुआ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1997 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले 1995 9 सितंबर का जो डेट है, इस दिन इन्होंने जर्मनी में ये बात कहा था कि अगर आदमी के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है तो वो सुगर के हार्ट से किया जा सकता है। यानी करीब करीब 28 साल पहले इन्होंने ये बात को कहा था, और 25 साल पहले इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर भी दिया। मैं मानता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने परमिशन लेकर नहीं किया था, इनके खिलाफ केस चलना चाहिए था, लेकिन जो इतना बड़ा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जितना बड़ा ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सरकार को चाहिए था कि इनके हौसला को बढ़ाया जाना चाहिए था, इन्हें और आर्थिक मदद देनी चाहिए थी, इन्हें और भी हौसला बढ़ाना था, और भी लोगों को इनको सपोर्ट करना था। आखिर कौन सी कमी, 7 दिनों तक तो किसी इंसान के अंदर अगर कोई जानवर का हार्ट काम कर रहा है 7-7 दिन, तो ये छोटा मोटा अवधि तो नहीं है, बहुत बड़ा अवधि है। और 7-7 दिन तक जब उनके शरीर में काम कर रहा था तो इसका मतलब थोड़ी बहुत ही चूक रही होगी, जिसके कारण 7 दिन के बाद उस इंसान का जान गया। तो हम क्या करते हैं कि हमेशा सोचते हैं कि अगर कोई इंसान एक बार प्रयास करे तो परफेक्ट हो जाए, और अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो हमें मौका और देना चाहिए था,
और भी मौका दिया जा सकता था। कुछ ऐसे लोग जो जिनकी की लगभग मौत तय होती है, वैसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ कानून हमें बनाना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जो कि सामाजिक रूप से जिन्हें बहिष्कृत किया जाता है, मतलब कि कोई अपराधी वगैरह जो लोग होते हैं, अपराधी टाइप के लोग होते हैं जिन्हें फांसी की सजा होनी है, ऐसे लोगों के ऊपर भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब जिनको मरना ही है, फांसी होकर मरना ही है, तो उसके ऊपर क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। अगर सफल हो गया तो फिर बहुत अच्छा, विज्ञान की उपलब्धि, और अगर असफल हो गया तो फिर तो फांसी की सजा उसे होनी ही थी। तो इस तरह की कुछ कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और कुछ कुछ ग्राउंड्स बनाकर हम इस चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन हमारी जो जो व्यवस्था है, जो हमारी पूरी सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम में ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे कि हम इन चीजों को डिटेक्ट कर पाए, इन चीजों को समझ पाए। और इसका परिणाम यह होता है कि कोई रिसर्च होता है और रिसर्च होने के बाद जब उसका परिणाम आता है तो पता चलता है कि इस रिसर्च का जो उपलब्धि है वो यूनाइटेड बेस्ड किसी कंपनी को, यूनाइटेड स्टेट की किसी कंपनी, किसी डॉक्टर को या किसी संस्था को मिल गया। तो दोस्तों, ये इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि हमें यह समझ में आना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट हम भी करते हैं, बस कुछ रूल रेगुलेशन है जिसको अगर सही कर दिया जाए तो भारत में भी बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। और जो ब्रेन ड्रेन जिसकी हम बात करते हैं कि भारत का अच्छा अच्छा ब्रेन अमेरिका चला जाता है, किसी और देश में चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है, हम गर्व से कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा पूरा विश्व, पढ़ेगा अमेरिका, इस तरह से जो कहते हैं, ये सभी चीजों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक हमारे पॉलिसी मेकर को इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी बात समझ में आया होगी, पूरा विवाद समझ में आया होगा। अगर पूरा बात समझ में आया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। कोई सुझाव हो जो आप हमारी बातों से सहमत या असहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।